अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट .tv। मेरठ की जाबाज पुलिस 5 माह बाद भी अपहृत किशोरी को अभी तक बरामद नहीं कर पाई है। परिजनों ने पुलिस के छोटे से बड़े अफसरों तक मान मनोवल की कि उनकी बेटी को बरामद कर दिया जाए, लेकिन नतीजा डाक के 3 पाथ ही रहा। युवती की परेशान मां ने आखिर यह सवाल सिस्टम से कर ही डाला। वे गरीब हैं क्या, केवल इसलिए उनकी लड़की को बरामद नहीं किया जा रहा? अपहरण करने वाले 3 युवक अल्पसंख्यक हैं क्या, केवल इसलिए पुलिस उन पर हाथ नहीं डाल पा रही है? इन और इन जैसे तमाम सवालों को लेकर आज परिजनों ने हिंदू जागरण मंच को साथ लेकर कंकड़खेड़ा थाने पर धरना शुरू कर दिया। परेशान मां ने यहां तक कह दिया कि अब जब तक उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलेगी, वे थाने से जाने वाले नहीं हैं। पुलिस अफसर भी उन्हें आश्वासनों की वही घुट्टी पिलाने में लगे हैं जो पिछले 5 माह से लगातार पिलाई जा रही है। मेरठ के थाना कंकड़खेड़ा के सिंधरौली गांव की एक 15 वर्षीय किशोरी 20 मई 2020 को चारा लेने गई थी। आरोप है कि उसे गांव के ही 3 अल्पसंख्यक लड़के अपहरण कर ले गए। आज थाने पर धरनारत लोगों के बीच हिंदू जागरण मंच अध्यक्ष हिमांशु सिरोही ने किशोरी की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि संभवतः उसके साथ भी वैसा ही कर दिया गया हो जैसे परतापुर में लव जिहाद के मामले में किया गया था। दरअसल परतापुर में शादीशुदा शमशाद ने प्रिया व उसकी पुत्री कशिश की हत्या कर दोनों के शव ही घर में गाड़ दिए थे। शमशाद प्रिया के साथ शादीशुदा होते हुए भी लिव इन में रह रहा था। शुरू में शमशाद ने अपना नाम व पहचान हिंदू के रूप में ही दी थी। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं हिमांशु सिरोही। सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच मेरठ। आज ये सिंधावली की जो ग्राम पड़ता है, सिंधावली थाना कंकड़खेड़ा में 31 मई 2020 को, आज से 5 महीने पहले, नाबालिग लड़की, हिंदू नाबालिग लड़की 15 वर्षीय, सुबह चारा डालने जा रही थी। वहाँ से ही मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उसमें साकिब जो मेन मुख्य आरोपी है, 3 आरोपी थे, एक जो नहीं पकड़ा गया अब तक भी, और वही उसी वजह के लिए आज 5 महीने पुलिस स्तर से लेकर डी स्तर तक हमें 5 महीने हो गए, और इसके अंदर घटना को खोल दो, खुलासा कर दो, हमारी हिंदुओं की लड़की वापस ला दो, हमने इतने प्रयास कर लिए, उसके बाद भी 5 महीने हो गए। मुझे तो ऐसा लग रहा भाई साहब, इसके अंदर लड़की जो है 5 महीने से अगर पुलिस प्रशासन को नहीं मिली तो लड़की कहीं हमारी मर गई, मुझे पूरा विश्वास यही है। जैसे वो घटना थी ना, वो परतापुर की भूटबाल वाली घटना खुली थी 3 महीने बाद, उसमें पुलिस की संदिग्ध परिस्थिति, संदिग्ध हाल वो थी उसके अंदर, आपका केस के अंदर। ऐसे ही मुझे यहाँ भी पुलिस प्रशासन का रोल जो है, पुलिस थाना कंकड़खेड़ा के जो पूरे SHO हैं और CO हैं, वो कुछ ऐसी भूमिका निभा के गए हैं इस केस में। इसकी SIT जांच की मांग करते हैं, और होनी चाहिए इस केस की जांच, खुलने के बाद भी, खुलेगा भी, और जब भी जांच होनी चाहिए इस केस की कि 5 महीने में क्यों हुआ ऐसा, अब तक लड़की बरामद नहीं हुई। इसके माँ बाप दुखी होकर, ED साहब ने अभी आश्वासन दिया था 15 दिन पहले, लेकिन पुलिस स्तर से, थाने स्तर से भी और ऊपर अधिकारी स्तर से भी हमें कोई आश्वासन सच्चा नहीं मिल पा रहा अब तक। हाँ बिल्कुल, SHO से लेके और ADG स्तर तक हर किसी को इस मामले के संज्ञान है, उसके बावजूद 2 टीम लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, आज खोलेंगे, कल खोलेंगे, परसों, खूब झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं, हम संतुष्ट नहीं है इन झूठे आश्वासन। क्या लग रहा है, क्यों कार्रवाई नहीं कर, पता नहीं, क्या पता मर गई हो खुलने के बाद बवाल हो, हमें तो ऐसे ही लग रहा, हमें तो ऐसे ही लग रहा है कि इसके अंदर जो है इन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ 19-20 मामला है, इस घटना में संदिग्ध है मामला, कि जो खुल नहीं रहा, खुलने के बाद बवाल होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर। आइए सुनते हैं क्या बता रही हैं अपहृत किशोरी की माँ। 31 मई को मेरी लड़की उठा रखी है, 5 महीने हो जाएंगे, अभी तक पुलिस ने कोई अता पता नहीं करा है। हम सबके दौरे गए थे, ADD साहब के भी दौरे गए थे, और DID के दौरे भी गए थे, सबके दौरे जा लिए, कोई हमारी वो नहीं करता सुनाई। हम मालदार की लड़की होती तो दिन रात में पुलिस 24 घंटे में बरामद कर देती, और हम गरीब आदमी, हमारे पास रोटी नहीं है खाने को, पैसा नहीं है, तो हमारी लड़की क्यों नहीं बरामद होती? कैसे गायब हुई थी? 3 लड़के थे और 2 तो मेरे पिछाने में नहीं आए थे, 1 मेरे पिछाने में आया था, उन्होंने वे ले गए थे मेरी लड़की को। एक साकिब था, तालिब था और अल्ताफ था, 3 थे वे।
हम धरने पे बैठे हुए हैं, हम जब ही उठेंगे जब महिला लड़की मिल जाएगी। आज अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी नो कह देते हैं, टाइम देते हैं हमें 15 दिन का दे, 8 दिन का दे, हम तो थक गए हैं टाइम लेते लेते, हम क्या करें। आज तो हम जब ही जाएंगे जब महिला लड़की मिल जाएगी। अन्नी है ही, अपने बच्चों को लेकर आई हूँ, यहीं रहूंगी। इतना धरने के दौरान मौके पर पहुंचे एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह व धरनारत लोगों के बीच यह बातचीत हुई। ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जो भी बात करी जाए फिर वो ठोस बात है। तो ये ठोस बात का आश्वासन भाई साहब मुझे आप उनसे मेरी जैसा आपने कहा फोन पे बात करा दो, आप मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अगर टाइम का कुछ बनता है तो हम उठ जाएंगे, हमें वही जो टाइम आप एसआईटी के गठन आज करते हैं, 4 दिन हम पूरा नाथ 4 दिन बाद उनसे बात करेंगे। बढ़ने में हमें कितना समय लग सकता है, हम क्या निकाल पाए, हम उसके बाद 5वें दिन हम आपसे बात करें। बाद में एसपी सिटी अखिलेश नारायण सिंह ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। एक लड़की के अपहरण का मामला है, इसमें अपहर्ता की बरामदगी के संदर्भ में इन लोगों की मांग थी, जिसके संदर्भ में एक बड़ी टीम का गठन करके उसकी बरामदगी के लिए प्रयास करने के लिए बताया गया है। और इसमें हमारी टीमें पहले भी लगी हुई हैं और इसको थोड़ा और विस्तार देते हुए कुछ और नए टीम में नए तरीके के लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जिससे बरामदगी शीघ्र करने में मदद मिले। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।